खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्बार मॉनसून में रकसिया, कलसिया, देवखड़ी नाला सहित नंदौर नदी कहर बरपाती है, जिसको लेकर इस बार जिला प्रशासन ने इन संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हीकरण कर इनका बरसात में पानी की निकासी को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया, ताकि बरसात में ये नाले और नदी किसी प्रकार का कहर न बढ़ पाए। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम इन क्षेत्रों का विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार मॉनसून सत्र में इन नालों ने कहर बरपाया था और नालों के किनारे बसी आबादी को विस्थापित करना पड़ा था और अवैध मकानों का भी चिन्हीकरण किया गया था। एक बार फिर अब इन नालों के प्रॉपर मैनेजमेंट की बात चल निकली है। अब देखना होगा कि इस बार प्रशासन का ये कदम कितना प्रभावी होता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी आगामी बरसात है, इसकी तैयारियों को लेकर बैठक की गई थी। इसमें रक्षिया नाला, कलसिया नाला और देवखड़ी नाला, इसके साथ साथ नंदौर नदी कैसा क्षेत्र जिससे आबादी प्रभावित होती है, तथा अन्य ऐसे संवेदनशील स्थान जहाँ पे आपदा का खतरा बना रहता है और आबादी प्रभावित होती है, उन जगहों को चिन्हित करने के लिए, साथ ही जो शहर क्षेत्र के नाले हैं, रक्षिया नाला है, कलसिया नाला है, इनका सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण और इसकी ड्रेनेज का प्लान बनाने के लिए सिंचाई विभाग को, राजस्व विभाग को और नगर निगम को निर्देशित किया गया है।